BMW 520D 2018 मॉडल है, देन BMW GT है हमारे पास 320D विच इज 2017, देन जैगुआर है हमारे पास में विच इज 2016। तो 16, 17, 18, ठीक है, साल बता दिया है। तीनों डीजल हैं, UP16, दिल्ली एंड HR26, तीनों की स्टेट्स आपको बता दी हैं मैंने। 21 लाख, 22 लाख रुपीज एंड 36 लाख रुपीज इज द आस्किंग प्राइस। क्लासिक मशीन साकेत में मेट्रोपॉलिटन मॉल में लोकेटेड है सर, आप वहां पे जाके विजिट कर सकते हैं, गाड़ी को फिजिकली आप देख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि उसमें आपको एक्सपर्ट्स ओपिनियन मिल जाए या आपको मोटो फाइंडर की सर्विसेज मिल जाए तो आप वो भी ले सकते हैं सर, गाड़ी अच्छे से चेक करके लेना सर। ऑनेस्टली स्पीकिंग, कमिंग बैक टू द पॉइंट, दिस इज जैगुआर XF 2016 अगस्त मंथ रजिस्टर्ड ओनर सिंगल 55,000 किलोमीटर्स ड्रिवन विद सर्विस रिकॉर्ड सितंबर 2023 तक, इंश्योरेंस वैलिड है, फाइनेंस अवेलेबल है, बेज इंटीरियर्स हमें इसके अंदर मिल रहे हैं, और जैसा कि इसमें मेंशन है गाड़ी ड्रिवन है 55,000 किलोमीटर्स, तो सीटें देखकर लग रहा है कि गाड़ी जो है वो वाकई लेस ड्रिवन होगी। टायर्स वगैरह जो है वो भी इसके ठीक कंडीशन में लग रहे हैं, अलॉयस वगैरह साफ है, बॉडी लाइन से गाड़ी साफ लग रही है। ये चीज सर मैं आपको, देखो जैसे मेरा चैनल है मैं अनबाइस रिव्यू देता हूँ, गाड़ी के टेस्ट ड्राइव लेके देता हूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि मैं तीनों गाड़ियों की आज टेस्ट ड्राइव लेके बनाऊं। सो 320D GT व्हाइट कलर की ये मिल रही है सर हमें, विच इज 2017 मॉडल, फर्स्ट ओनर 61,000 किलोमीटर्स ड्रिवन, इंश्योरेंस नवंबर 2023 तक, फाइनेंस अवेलेबल है, एल्पाइन व्हाइट कलर है, बेज इंटीरियर्स हैं, और यहाँ पे हमें फ्रेमलेस डोर्स मिल रहे हैं। टायर्स की जो कंडीशन है, टायर्स की कंडीशन भी अभी अप्रॉक्सीमेटली 45-50% है। एक बार आपको सर इनके इंटीरियर्स दिखा देते हैं, इंटीग्रेटेड सिस्टम हमें इसके अंदर मिल रहा है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है और बेज इंटीरियर्स, पैनोरामिक सनरूफ मिल रही है उसके बाद में। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट कार, BMW 520D स्पोर्ट्स लाइन वेरियंट 2018 सिंगल ओनर 36,000 किलोमीटर ड्रिवन, WSR लिखा है सर, वे सर्विस रिकॉर्ड्स मेंशन है, तो आप उनसे सर्विस हिस्ट्री की भी बात कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी किसी तरह के डाउट्स लगे या आपको अगर कोई एक्सपर्ट्स ओपिनियन चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नवंबर 2023 तक इंश्योरेंस है, फाइनेंस जो है इस पे अवेलेबल है, ऑफकोर्स 2018 है, HR26 रजिस्टर्ड है, डीप सी ब्लू कलर है, अंदर जो है हमें टैन इंटीरियर्स मिल रहे हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफकोर्स, इंटीग्रेटेड सिस्टम, ऊपर बड़ी सनरूफ मिल रही है हमें, एंड टायर्स जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली मुझे इसके 70% के आसपास आगे के टायर्स मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं। क्लासिक मशीन पर ये गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, आप क्लासिक मशीन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सर इस तरीके से मैं आपको एक साथ तीनों गाड़ियां दिखाऊं वो बेटर है, या मैं आपको एक गाड़ी एक टाइम पे दिखाऊं वो बेटर है, इस चीज़ के लिए आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन सर ऑनेस्टली एक बात बताऊं, अगर मैं आपको एक पूरी गाड़ी का रिव्यू देता हूं तो मेरा अप्रॉक्सीमेटली उसमें 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, दिन में शायद 2 गाड़ियां भी दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ट्रैफिक भी है दिल्ली में, फिर गाड़ी लाने ले जाने के लॉजिस्टिक्स भी होते हैं कि गाड़ी को यहाँ लाओ वहाँ लाओ, फिर उसमें टाइम भी लगता है। अब आप रैंडमली अगर देखना चाहते हैं कि कौन कौन सा स्टॉक कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, तो वो मैं इसी तरीके से दिखा सकता हूँ। जैसे मैंने पहले आपको 4 SUV दिखाई, 3 सेडान दिखा दी, तो 7 कार्स मैंने आपको दिखा दी। अब कार बाइंग के लिए अगर आप चाहते हो कि आप एक्सपर्ट्स ओपिनियन ले लो, आप चाहते हो कि मोटो फाइंडर आपके लिए आके जो है गाड़ी इंस्पेक्ट कर ले, और आपको जो है वो डिटेल्ड रिव्यू नहीं दिया इन गाड़ियों का, कोई बात नहीं, लेकिन डिटेल्ड और अनबाइज रिपोर्ट आपको निकाल के दे दे, तो उसके लिए आप मुझे वसीम खान को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सर। प्राइस पॉइंट को लेकर आपने जो डिस्कशन करना है वो आप सीधा जो क्लासिक मशीन है उसके ओनर से आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं कि क्या प्राइस पॉइंट पे आपकी डील होती है, गाड़ी आप आके फर्स्ट टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हैं, इनिशियली चेक करना चाहते हैं, वो आके चेक कर सकते हैं। मोटो फाइंडर का काम सर आपको गाड़ी दिखाना है बेसिकली, तो मैं आपको जगह जगह जाके दिल्ली NCR में जो गाड़ियाँ अवेलेबल हैं वो दिखाने में यकीन रखता हूँ। जो दूर से आ रहे हैं, 1,000-2,000 किलोमीटर से चल के कस्टमर्स आ रहे हैं, उनके लिए मैं जो है ये चाहता हूँ कि वो आने से पहले जो है अच्छे से कहें कि सर गाड़ी इंस्पेक्ट हम करवा लेते हैं या मैं आपके लिए कर दूं, जैसे मर्जी आप करना चाहते हो, लेकिन अपनी तसल्ली करने के बाद में सर डील करो। और गाड़ियां आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स दिखाएंगे, आपको बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स दिखाएंगे, लेकिन गाड़ी को इंस्पेक्ट करना एक अलग चीज़ होती है सर, गाड़ी को दिखाना एक अलग चीज़ होती है, और हम गाड़ी को इंस्पेक्ट करके अभी तक दिखाते आए हैं। अब हमने जो है ये स्टार्ट किया है कि हम आपको ऐसे सीरीज में गाड़ियां दिखा रहे हैं, लेकिन इंस्पेक्शन सर्विसेज जो हैं वो हमने अपनी अभी भी कैरी ऑन रखी हैं और आगे भी कैरी ऑन रखेंगे। और इनफैक्ट अगर आप लोगों का प्यार मिलता रहा तो हमारी तो कोशिश है कि सर हम पैन इंडिया आपको जो है इंस्पेक्शन सर्विसेज प्रोवाइड कराएं। थैंक यू।